बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक शताब्दी समारोह का आज हर कोई गवाह बनेगा। जी हां, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर पटना में हैं और आज खास कार्यक्रम होगा विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर के जो तैयारियां की गई थी पटना में। आज देखिए राष्ट्रपति कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे और फिर शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगे। अंदर जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं है, जो माननीय हैं उनको अंदर जाना यहीं से होगा और सीधे तौर पर जितने आम लोग हैं उनको बाहर ही रोका जाएगा। और देखिए जो तैयारियां की गई थी विधानसभा में वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कुछ ही देर में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विधानसभा आगमन होगा और उसके बाद जो शिलान्यास है वो किया जाएगा। देखिए किस तरह से सजाया गया है विधानसभा को पूरी तरह। रात को जब आप विधानसभा के भवन पहुंचेंगे तो दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है। एक एक जगह पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है तैयारियां की गई हैं। पूरे पटना शहर में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो है रामनाथ कोविंद राजभवन में है, वो रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं किया और कुछ देर में जब जो कार्यक्रम तय किया गया है कि जब वो विधानसभा के भवन पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है शिलान्यास करेंगे, विधानसभा शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर भी होगा। तो तमाम तैयारियां एक बार फिर से आपको हम दिखा दें कि अंदर आने की किसी को भी अंदर जाने की माफ कीजिएगा किसी को अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ विधायकों को या फिर माननीय जितने हैं उनको अंदर जाने के लिए अलाउंस मिला है। बाहर से ही आपको अगर विधानसभा के शताब्दी समारोह के लिए देखना है तो आप बाहर ही रह सकते हैं। तो साफ तौर पे जो तमाम तैयारियां थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है विधानसभा के इस भवन का जो है आज शताब्दी समारोह होगा और थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद पवित्र बौद्ध वृक्ष का शिशु जो पौधा है उसका पौधारोपण करेंगे और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ भी उनका कार्यक्रम होगा। जितने भी विधायक पहुंच रहे हैं, जितने भी विधान परिषद के सदस्य पहुंच रहे हैं, सभी लोगों को यहीं पे उतरना होगा और फिर यहां से आप अंदर की ओर जा सकते हैं। तो तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सुरक्षा पूरी तरह से किए गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति पटना में हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा था और आज दूसरा दिन है जब वो पटना में होंगे और इस दूसरे दिन के बाद आज सबसे बड़ा कार्यक्रम शताब्दी समारोह को लेकर होगा पटना में। विधानसभा के शताब्दी समारोह का आज 100 साल पूरा हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में आज खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बैठक की थी अंदर और साफ तौर पे कहा था कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पटना पहुँचेंगे, माफ़ कीजिएगा, जब विधानसभा के इस भवन पहुँचेंगे तो यहाँ पर वो खुद इसका गवाह बनेंगे और जो शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास है वो किया जाएगा। तमाम देखिए लोग हैं वो पहुँच चुके हैं और आपको हम सीधे इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं और जो भी अपडेट्स होगा पहुँचाएंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।